हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मेरे एक छोटे से ट्रिप बक्खाली का एक्सपीरियंस। बक्खाली वेस्ट बंगाल के साउदर्न मोस्ट पार्ट पे एक छोटा सा सी बीच एरिया है जो एक दो दिन की छुट्टियों के लिए बहुत ही सूटेबल माना जाता है। हमने भी ये ट्रिप सिर्फ 2 दिनों के लिए रखा था और कलकत्ता से जाने के लिए हमने अपने बाइक का यूज़ किया था। तो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस और कुछ फ़ोटोज़ और कुछ मेमोरीज जो हमने बनाए वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये आप लोगों के लिए रूट मैप है। हम सवेरे करीब 6:30 बजे बाइक से निकले और करीब करीब 4 से 4.5 घंटे का समय हमको लगा। हमने रास्ते में ऑलमोस्ट 2 ब्रेक्स लिए और रास्ता इतना सुंदर है कि आप अपने गाड़ी को लेके आराम से जा सकते हैं। रास्ते में एक बार हमें पुलिस ने रोका था फॉर डॉक्यूमेंट चेकिंग, बट ऐसा कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है क्योंकि दे जस्ट चेक द डॉक्यूमेंट एंड दे सिंपली लेट अस गो। द ओनली थिंग दैट दे वर सेड लाइक नॉट टू ड्रिंक एंड टू हैव द डॉग बाइक विद इन द लिमिट ऑफ इफ पॉसिबल अंडर 50 किलोमीटर्स पर आवर। सो या the police was quite supportive and you understand what I mean, it's not in the bad sense, they were quite good. ये बक्खाली ब्रिज है। ये ब्रिज के दोनों तरफ बहुत सारी फेरीज लगी रहती हैं। ये फेरीज मछली पकड़ने और लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। पहले जब ये ब्रिज नहीं था तो लोग नामखाना से बक्खाली की तरफ इसी फेरी से होकर पार होते थे। इवन आपकी पर्सनल गाड़ियाँ, चाहे वो टू व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, यहीं से पार होते थे। उसके बाद हम लोग जब बक्खाली पहुँचे, बक्खाली में बहुत सारे छोटे छोटे होटल्स हैं जो बहुत ही स्कैटर्ड वे में और रादर आप कह सकते हैं कि मेन रास्ते के ऊपर नहीं है। आप अगर चाहें कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो तो आप थोड़ा सा आसपास देख सकते हैं। छोटे छोटे होटल्स को छोड़ के काफ़ी बड़े होटल्स भी हैं। वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट टूरिज्म डिपार्टमेंट की अपनी एक होटल है जो बिल्कुल बक्खाली बीच के बिल्कुल बगल में है और आई होप दैट इज़ मोर कंफर्टेबल। बट सिंस वी वर लुकिंग फॉर एन इकोनॉमिक ट्रिप, हमने एक थोड़े दूर में रहना उचित समझा बिकॉज हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपनी अपनी खुद की गाड़ी थी, तो हमें इधर उधर होने में कोई दिक्कत नहीं थी। फ्रेश व्रेश होने के बाद हम लोग बक्खाली बीच पहुँचे। उस समय का समय करीब करीब 11:30 बज चुका था। तो अगर आप देखें तो नदी से काफ़ी, मतलब बीच से काफ़ी दूर चला जा चुका था ड्यू टू लो टाइड एंड टाइड्स उतने हाई नहीं थे। हम लोग थोड़ी देर नहाने के बाद फिर होटल गए, थोड़ा फ्रेशन अप हुए और फिर हम लोग निकल पड़े हेनरी आइलैंड के लिए। करीब शाम का समय था 3 बजे। जैसा हम लोग को जानने को मिला कि हेनरी आइलैंड सिर्फ 5 बजे तक खुला रहता है, 5:30 बजे वहाँ वॉलेंटियर्स आके आपको आइलैंड का जो बीच जो है वो खाली करने के लिए कहेंगे। हेनरी आइलैंड बीच बहुत ही सुंदर और समय बिताने के लिए बहुत अच्छा जगह है। प्रोबेबली ये दिस वाज द वीक डेज, दैट इज़ द रीज़न व्हाई बीच वाज क्वाइट क्वाइट फ्री एंड वी कुड रोम अराउंड लाइक एनीथिंग। बट एज पर आई हर्ड दैट ड्यूरिंग वीकेंड्स दिस प्लेस इज क्वाइट क्राउडेड, सो द एरिया हियर इज क्वाइट गुड। इट्स वेरी वेरी लश विद ग्रीनरीज एंड द फिशिंग एंड द फिशिंग
सॉरी नॉट फिश, मछली मछली पालन के लिए ये जगह यूज़ होता है। हम लोग शाम को होटल वापस आए और हमारा होटल क्योंकि बीच से बिल्कुल बगल में था, तो हम लोग शाम को जाके फिर होटल बीच में जाके रहे और हमने अपने इवनिंग को वैसे ही एंजॉय किया विद द सनसेट। ड्यू टू द टाइड्स द इवनिंग टाइड्स वेर वेरी गुड, वी एंजॉयड इट अ लॉट। द नेक्स्ट डे वी रोम अराउंड लिटिल बिट, वी वेंट टू बक्खली बीच अगेन एंड वी स्विम फॉर अराउंड एन आवर। देन वी केम बैक टू होटल एंड गेट फ्रेशन अप एंड हैड सम स्मॉल ब्रेकफस्ट एंड वी स्टार्टेड बैक फॉर होम। सो दैट्स ऑल फॉर अ स्मॉल एक्सपीरियंस दैट वी हैड रिसेंटली। आई होप यू लाइक इट। एंड देर इज वेरियस वे यू कैन रीच टू बॉकली। यू कैन गेट दोज डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।